तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही काम है दोस्तों, और मुझे आज थोड़ा सा समय मिला तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए और ड्रीम इलेवन का वीडियो बनाऊँगा। कौन सा प्लेयर खेलेंगे, कौन सा नहीं खेलेंगे ये बताऊँगा और टीम भी सिलेक्ट करके दिखाऊँगा और कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है, कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो आज मैं एडिटिंग करूँगा नहीं क्योंकि मुझे बहुत ही काम है इसलिए समय नहीं मिला। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ और ड्रीम इलेवन मैंने ओपन कर लिया। आज जो मुकाबला है हैदराबाद वर्सेस बंगलोर के बीच, तो 11 घंटे के बाद ये मुकाबला शुरू होगा। तो आज सुबह सुबह मैंने सोचा कि एक वीडियो, मैंने दो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया है। देखिए पहले जो कॉन्टेस्ट है तो मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो पॉइंट का बहुत ही मतलब क्रेडिट का बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो इसलिए कुछ प्लेयर को मुझे छोड़ना पड़ा। तो इनमें विकेट कीपर मैंने रखा है क्विंटन डीकॉक, तो ये खेलेंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने पृथ्वी पटेल को लिया है विकेट कीपिंग के लिए और आप भी ले सकते हो उसको। और विराट कोहली को लिया है बैटमैन, एबी डिविलियर्स। शिखर धवन को मैंने नहीं ले पाया क्योंकि क्रेडिट का बहुत प्रॉब्लम है। मनीष पांडे को इस बार नहीं ले पाया। देखिए दोस्तों आप भी जब भी खेलते हैं तो एक नहीं एक साथ दो दो कॉन्टेस्ट खेलिए, दो या छः कॉन्टेस्ट खेलिए। ठीक है, तो मतलब जो 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 प्लेयर इसमें आप नहीं सिलेक्ट कर पाया उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो केन विलियम्सन को लिया मैंने, लिया है नाम में मुझे मतलब आती नहीं हो मतलब होती नहीं है। और एलेक्स हेल्स को लिया है, ब्रेंडन मैकलम को लिया है। तो ये मेरा पांच बल्लेबाज हो गए। देन उसके बाद ऑलराउंड में मैं जाता हूँ, तो कोलिन डे ग्रैंडोम को मैंने लिया है ऑलराउंडर में। इसमें से आप ऑप्शन है हसीबुल हसन को ले सकते हैं, लेकिन आपको वही बात कह रहे ना कि क्रेडिट का बहुत ही प्रॉब्लम है तो इसलिए इसको मैं नहीं पिक कर पाया। देन उसके बाद बॉलिंग में जाइए तो आप मैंने उमेश यादव को लिया है, रशीद खान को लिया है और सिद्धार्थ कौल को लिया है और इसमें मोहम्मद सिराज को लिया है। तो इनमें से आपको ऑप्शन मिलती है, आप ले सकते हैं टीम सादी को ले सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार को ले सकते हैं या फिर चहल को ले सकते हैं। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट टीम। देन इसके बाद मैंने पृथ्वी पटेल को रखा है वाइस कैप्टन और विराट कोहली को मैंने रखा है कैप्टन। तो इनको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मेरा हो गया फर्स्ट टीम एंड दूसरा टीम आप देख सकते हैं। दूसरा टीम में मैंने सेम कुछ मतलब चेंजेस किया है। इसमें विकेट कीपर मैंने सेम रखा है पृथ्वी पटेल को, बैटिंग मैंने विराट कोहली को लिया है, एबी डिविलियर्स को लिया है, केन विलियम्सन को लिया है, मनीष पांडे को लिया है, लेकिन इसमें मैं एलेक्स हेल्स को नहीं ले पाया। उसमें मैं मनीष पांडे को नहीं ले पाया था लेकिन इसमें लिया हूँ और एलेक्स हेल्स को मैंने पिक नहीं कर पाया। ब्रेंडन मैकलम को लिया है, तो ये मेरा पाँच बल्लेबाज हो गए। और ऑलराउंडर आप देख सकते हैं, ऑलराउंडर सेम है। कुलन डे ग्रैंडोम को मैंने लिया है। अब फिर से मैं बता रहा साकिब उल हसन को आप ले सकते हैं बट क्रेडिट का बहुत ही प्रॉब्लम है दोस्तों इसलिए नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर उमेश यादव को लिया है, रशीद खान को लिया है, सिद्धार्थ कौल को लिया है और मोहम्मद सिराज को लिया है। तो बॉलिंग में मेरा सेम है और बैटिंग में मैंने कुछ चेंजेस किया है। देख लीजिए मनीष पांडे को उधर नहीं था, मतलब एलेक्स हेल को लिया है, इसमें बात देखकर मैंने मनीष पांडे को लिया है। अब से नेक्स्ट करेंगे तो मैंने इसमें कैप्टन रखा है एबी डिविलियर्स को और केन विलियम्सन को। तो ये मेरा हो गया दूसरा टीम। तो आप तीसरा चौथा या फिर छह टीम आप बना सकते हैं और खेल सकते हैं और जब भी खेले आप आपको दिखा देता हूँ कौन सा मैंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है। तो मैंने 26 रुपीज़ का ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है, देख लीजिए आप। इसका प्ले रिव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने दो कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है, इसका प्ले रिव्यू आप देख लीजिए और इसका स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बैक आ जाइए और दूसरा टीम देखिए, तो इनका भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो उनके हिसाब से आप मतलब इधर उधर करके आप देख सकते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए और देखिए कौन सा आपको मिल पा रही है। मैं बहुत कोशिश करने के बाद ही ये टीम सेलेक्ट किया है दोस्तों। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।